पहिलं जे सिक्युरिटी गेट आहे राम मंदिराचं, त्या पहिल्या सिक्युरिटी गेटच्या पर्यंतच लोक पोहोचली आहेत. यातली अर्धी लोक हळूहळू आज जायला सुरुवात झालेली आहे. लोक मोठ्या संख्येनं पोहोचत आहेत. आप बताइए कहां से आई हैं आप? हम नैनीताल से आए. अच्छा, नैनीताल से यहाँ पहुँची हैं आप, क्या भावनाएं लेकर पहुँची? राम जी हमारे आराध्य हैं और हर एक हिंदू एक सनातनी के नाते हमें एक बार तो अपना दर्शन दे करना ही चाहिए राम जी का. और इतना बड़ा यहाँ समारोह किया गया है और 500 सालों बाद ये स्थापना हुई है राम जी की, तो मुझे लगता है कि हर सनातनी ने एक बार दर्शन करने चाहिए राम जी के. अभी की व्यवस्था में आपको दर्शन लेने के लिए कितना समय लगेगा ऐसा लगता है? बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई है और जिस हिसाब से बहुत जल्दी जल्दी में सारे प्रोग्राम हुए थे, बहुत अच्छी व्यवस्था कराई है. प्रशासन भी सब सख्त है. बहुत अच्छा लग रहा है हमें आके. और समय तो कितना भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आए हैं तो दर्शन करके ही जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता समय. आपने माथे पर तिलक लगाए, गाल पर तिलक लगाए, मन में भी शायद यही तिलक बहुत पहले से लगा होगा. प्रभु राम भारत का बच्चा बच्चा प्रभु राम का फैन है और फॉलो करता है प्रभु राम को. बस इसी सोच के साथ ये सब कुछ करा गया है. आज शरीर शरीर हमारे पूरे शरीर के कण कण के हिस्से में प्रभु श्री राम का ही अधिकार है. आप जब निकली घर से तो भावनाएं क्या थी? यही थी कि हमें बड़े अच्छे से दर्शन हो जाए राम जी के. बहुत मन था देखने का कि मोदी जी योगी जी की क्या व्यवस्था है. इतने पूरे भारत में फिर से दिवाली में भी इतनी धूमधाम नहीं होती होगी जो 22 जनवरी में इतना ज़्यादा हुआ. बहुत ज़्यादा हर्षित थे पूरे इंडिया वाले, पूरे भारतीय लोग गौरव महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा. बहुत बहुत शुक्रिया. ज्या रामभक्तांच्या भावना आहेत त्या केवळ आणि केवळ उत्तर प्रदेशातल्या नाहीत किंवा उत्तर भारतातल्या नाहीत, त्या संपूर्ण देशातल्या आहेत.